हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिप मूवीज में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई मूवी कार्वर। मूवी की कहानी काफी खतरनाक है, जिसमें एक बेरहम किलर जंगल घूमने आए टूरिस्ट को पकड़कर काफी अजीब तरह से टॉर्चर करता था और उनका लाइव वीडियो बनाकर बुरी तरह से उन्हें मार देता था। मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखना। तो मूवी की शुरुआत चार दोस्तों से होती है जो अपनी छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे थे। उनमें थे पीट, ब्रायन, टेड और रेचल। दरअसल पीट और ब्रायन कुछ आगे थे और टेड और रेचल की गाड़ी पीछे ही थी, इसलिए पीट और ब्रायन रास्ते में एक होटल में रुकते हैं क्योंकि उन्हें टेड और रेचल का इंतजार करना था। लेकिन होटल के अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उस होटल का माहौल काफी अजीब था। वहां उनकी मुलाकात बिली नाम के आदमी से होती है जो उस होटल का ओनर था। उसी दौरान रेचल और टेड भी वहां पहुंच चुके थे। वो सब मिलकर वहां एंजॉय करते हैं और बिली को बताते हैं कि वो यहां जंगल में कैंपिंग करने आए हैं, जिस पर बिली उनकी तारीफ करके उन्हें कैंप लगाने के लिए एक जगह सजेस्ट करता है और बोलता है कि आज रात वो होटल में वीकेंड पार्टी मनाने वाले हैं और अगर उन्होंने कैंप यहाँ आसपास लगा दिया तो वो पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ये बात सबको ठीक लगी थी, इसलिए वो लोग बिली के बताई जगह पर निकल पड़ते है और कुछ ही देर बाद उनके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात केट नाम के एक और लड़की से होती है जो पहले से ही वहाँ कैंपिंग कर रही थी। वो लोग उससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अकेली आई है, जिस पर केट बताती है कि वो उसकी बहन शीना के साथ आई है, लेकिन शीना सुबह से ही उसे बिना बताए कहीं चली गई है। वो उनको शीना का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो भी उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। जिसके बाद वो सब वहाँ अपना टेंट लगाने लगते है और केट परेशान होकर शीना को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो जंगल था इसलिए वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। जिसके बाद टेड केट के पास आकर उसका मन हल्का करने की कोशिश करता है, जिससे उनमें दोस्ती हो जाती है। अब वो सब मिलकर केट की मदद करने का फैसला करते हैं और मिलकर शीना को ढूंढने लगते हैं। तब जंगल में काफी देर घूमने के बाद उन्हें वीरान पड़ा एक घर दिखता है और वो सब उस घर में चले जाते हैं। तब वो देखते है कि घर की हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो लोग छानबीन करते है। तब टेड को वहाँ कुछ डीवीडीज मिलती है जिस पर स्लैशर टैग लिखे थे। ये देखकर उन्हें लगता है कि ये स्लैशर मूवीज की डीवीडीज है। तभी केट को वहाँ एक प्रोजेक्टर भी मिला था, इसलिए वो लोग उस प्रोजेक्टर को ऑन करके वो सीडी चला देते हैं। जिसके बाद सब लोग एक साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं, जिसमें किलर लोगों को पकड़कर काफी पूरी तरह से मार रहा था। वो किसी के चेहरे की स्किन निकाल रहा था तो किसी को मजे करने के दौरान ही पकड़कर सांसें काट रहा था। वो सभी इन स्लैशर सीन्स को ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे सच में कोई मूवी चल रही हो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मूवी नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थी जिसे किलर ने अंजाम देकर कैमरे में कैद करके रखा था। केट ऐसे सीन्स देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो बाहर चली जाती है। तब उसके पीछे पीट भी आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी ब्रायन उनके पास आकर बोलता है कि ये जगह काफी अजीब लग रही है क्योंकि उसने काफी सारी स्लैशर मूवीज देखी थी, लेकिन उसे इन मूवीज में कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी उन्हें पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो तीनों अंदर जाकर सबको वहां से निकलने को कहती है क्योंकि उन्हें लगा था कि इस घर के ओनर आ गए। तब निकलते हुए ब्रायन वहां से एक सीढ़ी चुरा लेता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। तब आगे रास्ते में ब्रायन उस जगह को देखता है जहाँ मूवी वाले किलर ने अपने विक्टिम के चेहरे की स्किन निकाल दी थी। ब्रायन को वहाँ एक दांत नजर आता है, इसलिए घबरा कर वो पीट को सारी बात बताता है, जिस पर पीट उसे ये बोलकर टाल देता है कि वो मूवी शायद यही शूट हुई होगी। जिसके बाद रात को सभी बिली के होटल में जाते हैं जहाँ पार्टी में वो लोग काफी मस्ती कर रहे थे। तभी टेड को टॉयलेट जाना था, लेकिन वहाँ पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। तब बिली उसे बताता है कि होटल के पीछे एक और टॉयलेट है लेकिन वो थोड़ा खराब है। टेड को जल्दी थी इसलिए वो उस टॉयलेट में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ मूवी का किलर आता है जो अचानक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर रेचल ने काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए बाकी लोग उसे लेकर कैंप आते है। तब ब्रायन चुराई हुई सीढ़ी देख रहा था, तभी पीट उसके पास आता है, इसलिए ब्रायन वो सीढ़ी छुपाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पीट ने पहले ही उसे देख लिया था। वो ब्रायन की इस हरकत से काफी नाराज होता है और बोलता है कि ये सीढ़ी मूवी मेकर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी हो सकती है क्योंकि इस सीढ़ी में वो सीन भी हो सकता है जो मूवी का अहम हिस्सा हो। इसलिए वो केट को बोलता है कि वो सीढ़ी रखने वापस उस घर में जा रहे है, इसलिए वो कुछ देर रेचल का ख्याल रखे। इसके बाद वो दोनों उस घर में जाते हैं, लेकिन उनके वहाँ जाते ही किलर भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और वही एक जगह छिप जाते हैं। तब वहाँ वो किलर अपना काम कर रहा था और ये दोनों छिपकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब अगले रूम में उन्हें खून से लथपथ कटे हुए इंसानी बॉडी पार्ट दिखते है, जिसे देख कर उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है।
तब वो किलर नीचे आता है और उसी रूम के दरवाजे को लॉक करके चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकलने के लिए किसी और रास्ते की तलाश करते हैं, तभी उनकी नजर एक शटर पर पड़ती है। वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शटर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। तब तक रेचल भी वहां पहुंच जाती है, जिसे किलर ने ऑलरेडी देख लिया था। उसके आते ही वो किलर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तब किसी तरह रेचल बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़कर उसके पैरों में कील घुसा देता है। वो उसी कील को निकालकर बार बार उसकी बॉडी में घुसाता है और उसकी आवाज सुनकर टेड और ब्रायन काफी घबरा जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक जैक मिलता है, जिसकी मदद से वो उस शटर को थोड़ा बहुत खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तब पीट उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ शटर के नीचे फंस जाता है, जिसके दर्द से वो काफी जोर से चीखता है और किलर उनकी आवाज भी सुन लेता है। अब किलर रेचल के सर में फाइनल कील घुसाकर उसका काम तमाम कर देता है। इधर रेचल के पीछे केट भी वहां पहुंच चुकी थी। तब ब्रायन उसे सारी बात बताकर पुलिस को बुलाने को कहता है, जिस पर केट अकेले ही पुलिस के पास जाने लगती है। रास्ते में उसे हथियार जैसा कुछ मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब केट वहां से निकल ही रही थी कि तभी किलर उसके पास आ जाता है, इसलिए घबरा कर वो उसे अपने कार से उड़ा देती है। जिसके बाद वो कार से उतर कर देखती है कि किलर अभी भी जिंदा था, इसलिए वो अपने हथियार से उस पर हमला करके उसे मार देती है। अब वो किलर का मास्क उतर कर देखती है कि वो किलर नहीं बल्कि टेड था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही पीछे से किलर आकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद ब्रायन और पीट को उनके पास किसकी आने की आहट होती है, इसलिए वो घबरा कर तैयार हो जाते हैं और किलर के अंदर आते ही उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किलर बड़ा स्ट्रांग था, वो ब्रायन पर काउंटर अटैक करके उसे ही जख्मी कर देता है। तब मौका देखकर पीट भी उस पर हमला करता है और झपट कर किलर की आंखें नोच लेता है, लेकिन किलर को उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो पीट के सर पर वार करता है, जिससे पीट के सर से काफी सारा खून निकलने लगता है। इसके बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करके पीट को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिसमें वो उसके चेहरे पर एक हथौड़े से बार बार मारता है, जिससे काफी बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। इधर केट को किलर ने एक चेयर से बांध दिया था। वो होश में आते ही किसी तरह खुद को आजाद करवाती है और तभी उसे उस रूम में गन मिलती है। इधर घायल ब्रायन किसी तरह पीट को बचाने आता है और देखता है कि उसे किलर ने मार दिया है, इसलिए वो गुस्से में आकर किलर के पैरों को एक चाकू से मार देता है, जिससे किलर भी घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर भी अपनी टांगों पर खड़ा था। वो ब्रायन को भी हथौड़े से मारने लगा था, लेकिन तभी केट गन लेकर आती है और सीधा किलर को शूट कर देती है। जिसके बाद केट की नजर काफी सारे डेड बॉडीज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे उनमें उसकी बहन का कटा सर भी मिला था, जिसे किलर ने काफी बुरी तरह से मार दिया था। ये देखकर वो काफी टूट चुकी थी, इसलिए वो उसी गन से खुद को शूट करके मार देती है। अब वहां बचा था तो सिर्फ ब्रायन। वो केट की गन लेकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे वहां वो डीवीडीज दिखती है, जिसे वो उसी प्रोजेक्टर में डालकर चला देता है। वो किलर के गन देखकर तो देख ही रहा था, तभी उसे समझ आता है कि किलर के साथ और भी कोई मौजूद है। तभी उसके पीछे से होटल ओनर बिली आता है, जो आते ही ब्रायन का सर काट कर उसे मार देता है। जिसके बाद वो किलर की बॉडी देखकर काफी दुखी होता है, क्योंकि वो किलर और कोई नहीं बल्कि उसी का सगा भाई था और उन दोनों ने मिलकर ही सभी मर्डर्स को अंजाम दिया था। और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।